भाभी के प्यार में पागल एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को ऐसे इंजेक्शन दिए कि जिससे कि उसकी पत्नी अब जिंदा लाश बनकर रह गई है। मामला ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का है, जहां की एक लड़की की शादी आरा के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, लेकिन बार बार घर वालों के द्वारा समझा बुझा कर उसे वापस ससुराल भेज दिया जाता था। पिछले 8 महीनों से उसका संपर्क उसके मायके से काट दिया गया और 8 महीनों के बाद जब उसे ढूंढते हुए उसके मायके वाले ससुराल पहुँचे तो वहाँ वह नहीं थी। बाद में उसे पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के स्थानीय नगर से बरामद किया गया, जहां उसे एक घर में अकेले रखा हुआ था। उसकी हालत देखकर उसके परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवाहिता के भाई ने बताया कि बहन के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ है, ऐसा मारपीट हुआ है कि वो बचने की हालत में भी नहीं है। कंडीशन अब देख ही रहे हैं, पहले से तो थोड़ा ही बेटर है मगर कुछ कहा जा सकता नहीं है। मगर वो पहले नंबर तो मार के भाग गए, वो लोग कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। कौन लोग मार के भाग गए? उनके हस्बैंड और गोतनी और उसके पति और गोतनी के मायके वाले। अच्छा, मायके वाले जी मिले हुए हैं ना सब? सब मिले हुए। घर में बंद कर दिया गया था आपकी बहन को? जी, यहाँ से 8 महीने 2 महीने ससुराल में रही, उसके बाद 6 महीने तक बाहर रहा। तो क्या इंजेक्शन दिया जा रहा था? जी, किस चीज़ का इंजेक्शन दिया जा रहा था पता नहीं, मगर इतना इसको नींद का इतना मतलब 24 घंटे इसको नींद में रखा गया था। आखिर क्यों ऐसा होता था? इसको जान से मारने के लिए प्लानिंग था बहुत, तभी तो क्योंकि जिस तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा देखने के बाद। अच्छा, इनके पति का कहीं संबंध भी था? जी, अफेयर था अपनी भाभी के साथ, अपनी भाभी के साथ। तो भैया का नाम क्या था? उनके भाई का, उनका नाम गुड्डू पांडे, अभिषेक पांडे नाम है दोनों। आप कौन है इस लड़की के भाई? क्या नाम है? विकास कुमार मिश्रा। पिताजी का? विजय शंकर मिश्रा। ये बहन का नाम क्या? प्रियंका कुमारी। फिलहाल विवाहिता की हालत ऐसी हो गई है कि वह बेड से उठ भी नहीं पाती है। उसके पिता ने बताया कि मैं अपनी लड़की की शादी 2018 में किया था, ठीक एक महीना के पश्चात लगभग एक महीना में इसके साथ बहुत मारपीट किया गया। और हम लोग गए तो वहाँ तो गए थे मिलने के लिए वास्ते, मगर वहाँ से रिटर्निंग लेके आना पड़ा विदाई करा के। पुलिस प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन तो मिली हुई है और उसे हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है ना सहायता प्राप्त हुआ। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि उद्वत नगर थाने में SP आरा बहुत उनके कहने पर वहाँ पर FIR दर्ज हो गया, लेकिन आज तक इसके प्रियंका कुमारी के पति मुकेश कुमार जी को आपको अरेस्टिंग नहीं हो पाया है। मैं चाहूँगा कि शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र उसकी अरेस्टिंग की जाए और उसको अपने करतूत का सजा मिले। आँख की रोशनी भी चली गई। ये प्रियंका कुमारी जो मेरी लड़की है, इसको आँख से दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ ये कैच करती है, आवाज़ से पकड़ती है। कब साझा था? पहले तो दिखता था, 8 महीना पहले काफ़ी मिले हैं हम लोग तो, उसके बाद तो बहुत अच्छा दिखता था। शादी कब की थी? 2018 में मैंने किया था। इनके हाथ भी देख रहे हैं कि डैमेज हो चुका है? हाथ भी पूरी बॉडी डैमेज हो चुका है, नसें बैठ चुकी हैं। कहाँ कहाँ दिखा चुके हैं? हम लोगों ने जो पटना PMCH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी दिखा लिए, आपको आरा भी ले गए थे सदर में, बक्सर भी ले गए थे, सब जगह से बनारस भी ले गए थे, दिल्ली भी ले गए थे, बहुत बहुत जगह हम लोग ले गए, लेकिन उसको रिटर्न कर दिया गया। और इसको आज की स्थिति यह है कि लड़की सिर्फ भूख लगता है तो कहती है कि खाएंगे, तो खाना इसको उपलब्ध करा दिया जाता है। ये बेड लेटर पर पड़ी रहती है, जितनी भी शौच आदि हैं सब बेड पर ही होता है। और के लिए देख रहे हैं कि पाइप लगाया गया है? पाइप, हाँ, यूरिन के लिए पाइप लगाया गया है। बैठ नहीं सकती है, ना खड़ा हो सकती है, ये करवट भी नहीं ढंग से बदल सकती है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विजय शंकर मिश्र है। घर मेरा बाबा परमेश्वरनाथ ब्रह्मपुर के नज़दीक रघुनाथपुर गांव में घर है। आंखों की रोशनी खो चुकी प्रियंका ने अपने ऊपर हुए जुल्मों के बारे में बताया कि अच्छा, तो ये काहे खाती मारत रहन बच्ची? माने मोर इंजेक्शन तो रख दिया था है तुम गद कर दद को मार दो मार दो सीधे दे के मार दो सुइयो देत रहे लोग? हाँ। अच्छा, तो मुकेश पांडे के होता है? पति का नाम होता है प्रियंका देवी। बक्सर से पब्लिक वाइब के लिए चंद्रकांत निराला।